ओके फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं जनरल फीचर्स ऑफ एनी डेरियन। ठीक है, तो जनरल फीचर्स में अभी तक हम डिफरेंट चीज़ें देख चुके हैं, सिमेट्री देख चुके हैं, बॉडी फॉर्म, बॉडी कैविटी, जर्म लेयर्स। ठीक है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देख चुके हैं और कुछ सिस्टम देखे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दो बातें मैं एक बताना चाहूँगी। एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक में ये कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो स्टमक है और कैनाल्स होते हैं उनमें वो एसिमेट्रिकल होता है, बट ऐसा नहीं है। जो स्टमक और कैनाल सिस्टम होता है इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वो मेरीडियोनल पोजीशन पे होता है और इसमें बाईलैटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, बाईलैटरल सिमेट्री इसमें होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि ए सिमेट्री होता है, ऐसा नहीं है, बाइलैटरल सिमेट्री होते हैं बट ए रेडियल होते हैं, मतलब कि जो रेडियल सिमेट्री जो है इसमें नहीं होती। ठीक, तो एक ये है, और एक और ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि एबोरल एंड पर एक पोर होता है जिसे हम एनल पोर कहते हैं, लेकिन एक नहीं दो पोर होते हैं और ये दो एनल पोर जो है इन्हें इजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दो एनल पोर होते हैं, दैट इज अ करेक्शन ओवर द पास्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, दूसरा एक ये है नर्वस सिस्टम में, जो मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गन होता है, एक जो है पार्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे, एबोरल एंड पर, और ये पार्ट जो है मैंने आपको स्टोमोसाइट बोल दिया था, लेकिन ये है स्टेटोसिस्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेटोसिस्ट है फॉर इक्विलिब्रियम होता है, और ये जो सेंस ऑर्गन है ये इसे इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है। स्टेट मतलब कि इक्विलिब्रियम या बैलेंस या एक कांस्टेंट स्टेट, तो उस स्टेट के लिए ये स्टेटोसाइट या इक्विलिब्रियम के लिए ये स्टेटोसाइट जो कि एबोरल एंड पे होता है वो इसके नर्वस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और इसे अलग करता है नेटेरियन से। ठीक है, तो ये जो है करेक्शन है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े ये मैं आपको बताना चाहती थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे के सिस्टम्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये यूनाइटेड सेक्स। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है यूजुअली। ठीक है, और यूनाइटेड सेक्स होता है और एंडोडर्मल इन ओरिजन होता है। ठीक है, जो सेक्सेस होते हैं वो एंडोडर्मल इन ओरिजन होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लैकिंग होता है। ठीक है, यूजुअली जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लैक। ठीक, तो ये इसकी खास बात है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अभी नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है, नेक्स्ट जो फीचर है वो है डेवलपमेंट, कि किस तरह जो फर्टिलाइज्ड सेल है उसका डेवलपमेंट किस तरह होता है। ठीक है, तो इसका जो एग होता है वो योकी होता है, या इस प्रकार के एग को लेसिथल भी कहते हैं। इस प्रकार का एग जो होता है इसमें योक से काफ़ी हैवी होता है और उसके द्वारा ये न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, तो एग इस योकी। ठीक है, और जो क्लीवेज के बाद जो है, पहले जो पहले जो योक होता है, योक जो है वो इसकी मिडिल पोजीशन होती है, बट आफ्टर द क्लीवेज शिफ्टेड टू वन साइड। ठीक है, एक साइड ये शिफ्ट हो जाता है योक। ठीक है, तो ये एक इसका
महत्वपूर्ण फीचर है कि जो एग है वो योग की होता है या लेसिथल इसे कहते हैं। योग जो है वो मिडिल में पोजीशन होती है इसकी, एग योग की। लेकिन जब क्लीवेज स्टार्ट होता है, ठीक है, जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो जो योग है वो वन साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है होलोब्लास्टिक होता है, रेडियल, ठीक है, रेडियल होता है, और ठीक है ओके। तो जो क्लीवेज है या क्लीवेज या डेवलपमेंट जो है, क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक, ठीक है, बायरेडियल और अनइक्वल होता है और डिटर्मिनेट होता है। डिटर्मिनेट क्लीवेज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेट क्लीवेज क्या होता है कि यदि जो स्टार्टिंग स्टेज से जो सेल्स को यदि अलग किया जाए तो एवरी सेल जो है वो डेवलप होगी हाफ जो एनिमल है उसमें, ठीक। तो दैट इज नोन एज द डिटर्मिनेट क्लीवेज। तो जो डेवलपमेंट है वो होलोब्लास्टिक, बायरेडियल, अनइक्वल, डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, ठीक। उसके बाद इसका जो लार्वा होता है वो स्फेरिकल लार्वा ये फॉर्म करते हैं, स्फेरिकल, जिसे कि कहते हैं साइडिपिड लार्वा, साइडिपेड लार्वा इसे कहते हैं। और इवन जो इसकी फ्लैट स्पीशीज होती हैं वो भी यही स्फेरिकल साइडिपेड लार्वा बनाती हैं। और ये दर्शाता है कि जो प्रिमिटिव एनिमल जो होगा इस ग्रुप का, दैट मस्ट बी इन द स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। तो ये जो लार्वा होता है ये स्फेरिकल इन शेप होता है, जिसे कि साइडिपेड लार्वा कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका डेवलपमेंट। अब एक जो है नेक्स्ट पॉइंट वो है नेचुरल हिस्ट्री। ओके, नेचुरल हिस्ट्री के पहले हम पढ़ेंगे लोकोमोशन, कि किस तरह ये मूव करते हैं। तो इसका जो लोकोमोशन होता है एक सीलिएटेड ट्रैक्ट के द्वारा होता है, और ये सीलिएटेड ट्रैक्ट क्या कहलाती हैं, कॉम्प्लेट्स कहलाती हैं, और इसीलिए इन कॉम्प्लेट्स को स्विमिंग प्लेट्स भी कहते हैं, इन्हें स्विमिंग में हेल्प करती हैं ये, ठीक है, और इसीलिए इनको कॉम जेलिस भी कहा जाता है। तो लोकोमोशन कॉम्प्लेट्स के द्वारा होते हैं, ये जो कॉम्प्लेट्स हैं ये सीलिएटेड ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि ठीक है इस सीलियरी मूवमेंट के कारण ये लोकोमोशन कर पाती है, और कॉम्प्लेक्स के कारण ही ये स्विमिंग कर पाती है, स्विमिंग प्लेट भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री में हैबिटेट जो है इसका मराइन वाटर होता है, यूजुअली ये मराइन वाटर में रहती है, सॉलिटरी होती है, ठीक है, और ये रीजनरेशन की पावर जो है मार्क्ड होती है, मार्क्ड रीजनरेशन पावर, ठीक है, रीजनरेशन की पावर जो है वो मार्क्ड होती है, ठीक है। और जो ये जो होते हैं कॉर्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस और प्लैंकटन एलिमेंट्स को, एनिमल्स को खाते हैं ये, ठीक है, जैसे कि क्रस्टेशियंस होते हैं, ठीक है, उन्हें ये कोपोड्स क्रस्टेशियन होते हैं जिन्हें कि ये खाते हैं, ठीक। तो ये कॉर्निवोरस होते हैं और इस प्रकार इनकी हिस्ट्री होती है, ठीक। तो मराइन वाटर में रहते हैं, सॉलिटरी रहते हैं, रीजनरेशन की पावर मार्क्ड होती है, कार्निवोरस है और प्लैंकटन एनिमल्स को ये खाते हैं, ठीक। ओके, एक और महत्वपूर्ण इनका जो फीचर है वो ये है कि इनमें कुछ ल्यूमिनेसेंस की पावर होती है, ठीक है। ल्यूमिनेसेंस की पावर मतलब कि इनमें से ऐसा लगता है कि जो लाइट है वो इनमें से आ रहा है, प्रकाश जो है इसमें से आता हुआ उत्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किस लिए होती है, एक स्पेशल टाइप की फोटोसाइट्स जो है वो इनमें रहती है, किसमें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और वो लाइट इल्यूमिनेट करती है, ठीक है।
ठीक है। और ये जो लाइट है ये कॉम्प्लेंट से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार इनमें ल्यूमिनेसेंस की पावर है, फोटोसाइट्स रहती है राजास्टू ट्रैक में जो कि लाइट इल्यूमिनेट करती हैं, और जो कॉम्प्लेक्स है उसमें से लाइट आती हुई प्रतीत होती है। और अदरवाइज जो ये होते हैं जीव, ये होते हैं कलरलेस हो सकते हैं, और यूजुअली कलर्स लेस होते हैं, बट ब्राइट कलर्स में भी ये मिल सकते हैं, और इनकी ये ल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो ये हमने अदर जनरल फीचर्स देखे, जिसमें रिप्रोडक्शन देखा, यूनाइटेड सेक्स होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, ये एंडोडर्मल ओरिजिन में होते हैं, बट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इनमें, ठीक है। फिर डेवलपमेंट देखा, तो एग लैसिथल होता है, योक मिडिल में होता है, बट क्लीवेज के बाद वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक बायरेडियल अनइक्वल डिटर्मिनेट होता है। जो लार्वा है वो स्फेरिकल साइडिपिड लार्वा होता है। लोकोमोशन कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है, ड्यू टू इट्स सीलिएटेड मूवमेंट, जो सीलिएटेड ट्रैक्ट होता है, ये सीलियरी होता है, और उस सीलियस के मूवमेंट के कारण इसमें लोकोमोशन होता है, और ये स्विमिंग प्लेट्स कहलाते हैं। एंडोडर्मल, ओके सॉरी, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री में हम देखते हैं तो ये मराइन वाटर में रहते हैं, यूजुअली सॉलिटरी होते हैं, ठीक है। मार्क रीजनरेशन पावर होती है इसमें, ठीक है। और कार्निवोरस होते हैं, प्लैंकटन एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि कॉपोड्स, क्रस्टेशियन। ल्यूमिनेसेंस की पावर होती है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल टाइप की फोटोसाइट रहती है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक में होती है, और ये फोटोसाइट लाइट इल्यूमिनेट करती है, और इसलिए कॉम्प्लेक्स में आती हुई लाइट दिखती है हमें, ठीक। तो ये हो गए हमारे जनरल फीचर्स, ठीक है, निडेरियन के। अब हम देखेंगे कि यूनिक फीचर्स क्या हैं, निडेरियन के यूनिक फीचर्स क्या हैं। तो यूनिक फीचर्स जो कि यदि हमें मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये ए निडेरियन है, नॉट निडेरियन। तो ए निडेरियन के यूनिक फीचर्स हम देख रहे हैं, सबसे पहला तो कॉम्प्लेक्स, और दूसरा कोलोब्लास्ट, ठीक है। एक तो कॉम्प्लेक्स और एक कोलोब्लास्ट सेल, ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ ए निडेरियंस में मिलते हैं, और इसलिए उसका ये यूनिक फीचर्स है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन से फीचर्स हैं जो कि निडेरियन से एडवांस्ड हैं ए निडेरियन में या टेनोफोर्स में, ठीक है। तो एडवांस फीचर ओवर निडेरियन, ठीक है। तो एडवांस फीचर्स निडेरियन से क्या है? तो एक तो ये है कि कुछ लोग इसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक इन ओरिजिन, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन ओरिजिन, कि कुछ लोग इसे कंसीडर करते हैं कि जो मीजोग्लिया है वो मीजोडर्मल ओरिजिन में है, और इसलिए इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक इन ओरिजिन कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो एडवांसमेंट है वो है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू एनल पोर्स, ठीक है। तीसरा जो एडवांसमेंट है वो है मस्क्यूलेचर में, और मस्क्यूलेचर में क्या है, इंडिपेंडेंट स्मूथ मसल सेल, जो कि एडवांसमेंट है किसके ऊपर, निडेरियन के ऊपर, ठीक है, ओके। मस्क्यूलेचर, नर्वस सिस्टम, फोर्थ जो है वो है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में क्या है, स्टेटोसाइट होता है इसमें, स्टेटोसिस्ट होता है इसमें, स्टेटोसाइट या स्टेटोसिस्ट, जो कि एक सेंस ऑर्गन है, एपिकल सेंस ऑर्गन फॉर द इक्विलिब्रियम, एंड दैट इज ऑल्सो एन एडवांसमेंट ओवर द निडेरियन। एक एडवांसमेंट है, द अदर एडवांसमेंट ओवर निडेरियन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीलिएटेड सेल्स होती हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। तो फॉर ऑस्मो रेगुलेशन सीलिएटेड सेल्स, ठीक। तो ये सभी फीचर्स जो हैं, दे आर एडवांसमेंट ओवर द निडेरियन ग्रुप, ठीक। तो ये जो हो गए, ये सारे फीचर्स हैं हमारे ए निडेरियन ग्रुप के या टेनोफोर्स ग्रुप के, जो कि एडवांसमेंट है ओवर द
ग्रुप, ठीक है। पहला तो ट्रिप्टोब्लास्टिक इन ओरिजिन, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, टू एनल पोर्स, मस्कुलेचर में इंडिपेंडेंट स्मूथ मसल्स है, नर्वस सिस्टम में स्टेटोसिस फॉर द इक्विलिब्रियम, देन एक्सक्रीशन में या ऑस्मोरेगुलेशन के लिए सीलिएटेड सेल्स, ठीक। ओके, एंड वन मोर थिंग इज डिटर्मिनेट क्लीवेज, जो कि ठीक है, द अदर वन इज, ओ माय गॉड, ठीक है, सिक्स नंबर इज डिटर्मिनेट क्लीवेज। जो क्लीवेज जो है वो डिटर्मिनेट होता है इसमें, जो कि निडेरियन जो है उनमें इनडिटर्मिनेट क्लीवेज था, ठीक है। तो दीज आर द एडवांसमेंट ओवर द निडेरियन ग्रुप, और ये जो है जनरल फीचर्स हमने पढ़े, यूनिक फीचर्स फिर देखे ए निडेरियन के या टेनोफोर्स के, और उसके बाद हमने देखे एडवांस फीचर्स ओवर द निडेरिया ग्रुप। अब हम देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और कौन कौन सा क्लासेस इसमें आती हैं, ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टीनोफोरा और निडेरिया, ए निडेरिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है टीनोफोर्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक टेंटिक्यूलेटा और एक है न्यूडा, ठीक है। टेंटिक्यूलेटा जिसमें कि जो है टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और न्यूडा जिसमें कि टेंटिकल्स नहीं होते, ठीक है। तो क्लास टेंटिक्यूलेटा को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं, और साथ ही इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। तो जो टेंटिक्यूलेटा होते हैं उसमें इन्हें दो एनिमल्स जो हैं, इसका एग्जाम्पल है एक हर्मीफोरा और एक है प्लूरोब्रेकिया, ठीक है। तो हर्मीफोरा एंड प्लूरोब्रेकिया, हर्मीफोरा को यूजुअली सी वॉलनट कहा जाता है, और जो प्लूरोब्रेकिया है उसे सी गूसबेरी कहा जाता है ड्यू टू इट्स शेप, ठीक है। तो ये जो टेंटिकुलेटा होते हैं इनकी जो खास बात ये है कि दे बियर्स द टेंटिकल्स, ठीक है। हर्मीफोरा और जो प्लूरोब्रैकिया होता है इनमें जो सारे जनरल फीचर्स हमने देखे वो सभी इनमें मिलते हैं, और इन्हें खास तौर से कॉम जेलीज कहा जाता है, ठीक है। अब हैबिटेट तो हमें पता ही है कि मराइन वाटर में रहते हैं ये, ठीक है। इसके एक्सटर्नल फीचर यदि हम देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा ये हम देखते हैं, ठीक है। हैबिट्स जो है, हैबिट्स में क्या है, सॉलिटरी फ्री रहता है ये, प्लाजिक, ठीक है। और हैबिट्स जो है सॉलिटरी रहता है ये, ठीक है। एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल नहीं होता, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। दूसरी ये बात है कि ये जो जीव रहते हैं दोनों ही, हर्मीफोरा और प्लूरोब्रैकिया, ये जो है फीबल स्विमर्स होते हैं, ठीक है, दे आर फीबल स्विमर्स, और इसी के कारण जो बीचेस होते हैं, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में ये मिलता है, और क्योंकि ये बहुत फीबल स्विमर होते हैं, और जो टाइड्स होते हैं उसको ये टाइड्स के साथ क्या होता है कि बहुत बार टाइड्स के साथ बह के और ये बीचेस पे आ जाते हैं, तो दे आर फीबल स्विमर, और बीचेस टाइड्स के साथ बीचेस पे ये इजीली मिलते हैं, ठीक है। बट इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही डेलिकेट होती है, दे आर वेरी डेलिकेट जेली लाइक एनिमल्स, ठीक। ओके, ठीक है, इसके जो पिक्चर्स हैं वो हम बनाएंगे।
ठीक है। ठीक है, तो ये सी वॉलनट का पिक्चर जो है मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये इस प्रकार जो है सी वॉलनट रहता है। अच्छा, सी वॉलनट की एक और खास बात है कि ये जो है इसकी बॉडी वैसे अपराइट पोजीशन में रहती है, लेकिन यदि ये पानी के बहाव से यदि इसकी बॉडी टिल्ट हो जाए तो इस ये अपने बॉडी को जो है फिर से अपराइट पोजीशन में ला सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए एक ऑर्गन है, ठीक है, स्टेटोसिस जिसे कहा गया है, तो उसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि बॉडी जो है इस पोजीशन में आ गई, तो वो उसे अपराइट पोजिशन में ले सकता है। तो सबसे पहले स्टेटोसिस्ट ही बताती हूँ। ये जो यहाँ पे है ये स्टेटोसिस्ट एबोरल एंड है ये, ठीक है, दिस इज एबोरल एंड, यहाँ जो है ये है माउथ, ठीक है, यहाँ पे जो है ये है एनल पोर, ठीक है, ठीक, ये जो है ये है टेंटिकल, ठीक है, ये जो है हमारी ये है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे होती है टेंटिकुलर शीथ, ये जो है, ठीक है, ये जो है डाइजेस्टिव कैनाल, ठीक। तो इस प्रकार से इसमें जो है सिस्टम रहता है। अब यदि प्लूरी ब्रैकिया का जो है पिक्चर हम यदि बनाएंगे तो उसका जो है सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ उसका गोल शेप होता है, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर उसमें होता है, और इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स भी उसमें पाई जाती हैं। ये जो कॉम्प्लेट है ये इस प्रकार से, कॉम्प्लेट इस प्रकार से होती है, ठीक है, 40 डिग्री पे रहती हैं, कॉम्प्लेक्स ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, इसमें भी इसी प्रकार है। एकदम स्ट्रेट रहता है, ठीक है,
ठीक है, तो ये है गूजबेरी, सी गूजबेरी, इसमें भी टेंटिकल्स पे अनब्रांच्ड प्रोसेस रहती है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो है दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, सिर्फ शेप साइज शेप जो है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। अब हम एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं देख रहे हैं, तो जो है 5 to 20 मिलीमीटर का जो साइज है वो इनका हो सकता है, जो टीनोफोर्स हैं, टेंटा क्यूलेटा उनका, और बहुत डेलिकेट बॉडी होती है, और इसलिए जब ये प्लैंकटन नेट से इसे निकाला जाता है तो ये जो है डैमेज हो सकते हैं इनकी बॉडी, और इसलिए इसे जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं वो एक हैंड हेल्ड जार से इन्हें निकालते हैं, ताकि वो बिना डैमेज हुए उनकी बॉडी को जो है निकाल सके और उन पे स्टडी कर सके। तो उनकी बॉडी बहुत डेलिकेट होती है, जेली से बनी हुई होती है, और इसीलिए इन्हें कॉम जेलीज भी कहा जाता है, ठीक है। अब यदि इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है माउथ, ठीक है, माउथ पोर रहता है, फिर जो माउथ और इधर जो है ये एबोरल एंड होता है, एबोरल एंड पर आप देख सकते हैं सेंस ऑर्गेन है, जिसे कि कहा गया है स्टेटो सिस्ट, ठीक है, यहां देख सकते हैं स्टेटो सिस्ट है, साथ ही एनल पोर होते हैं, ठीक है, एनल पोर, उसके बाद एनल पोर के थोड़ा नीचे जब हम देखते हैं तो प्लेट्स हमें दिखती हैं एट द लेवल ऑफ 40 डिग्री, जो जो डाइजेस्टिव कैनाल है, दिस इज द डाइजेस्टिव कैनाल, और इससे आप देख सकते हैं 40 डिग्री के एंगल पे जो है, 40 डिग्री के एंगल पे जो है ये प्लेट्स दिखती हैं, और ये जो प्लेट्स होती हैं ये क्या होती हैं, इस प्लेट्स ये स्मॉल प्लेट्स से बनी हुई होती हैं, और इन्हें कॉम प्लेट्स कहते हैं, और इन स्मॉल प्लेट्स से, ठीक है, दीज स्विमिंग प्लेट्स इन्हें कहते हैं, और ये जो स्विमिंग प्लेट्स होती हैं स्मॉल प्लेट्स से फॉर्म होती हैं, जिन पे की सीलियाज होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सीलियाज हैं, तो इनमें इन प्लेट्स पे भी सीलियाज होते हैं, और वो सीलियाज जो होते हैं उनका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो फ्यूज होता है, लेकिन जो डिस्टल एंड होता है वो फ्रीली मूविंग होता है, और इसलिए वो जो अपीरेंस आता है वो कॉम्ब लाइक अपीरेंस आता है, और इसी इन्हीं प्लेट्स को कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं, और इसके कारण इन्हें कॉम्ब जेलिस कहते हैं। तो ये जो स्मॉल प्लेट्स होती हैं दे कंटेन सीलियाज ओवर इट एंड विच गिव्स लुक ऑफ कॉम्ब, ठीक है, एक कॉम्ब का लुक इसे देती है, और इसलिए, ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये स्विमिंग प्लेट्स हैं या कॉम्ब प्लेट्स भी इन्हें कहा जाता है, और ये इसे कॉम्ब का एक जो है लुक देती है, इसलिए इन्हें कॉम्ब जेलिस कहा जाता है, ठीक है। उसके पास टेंटिकल्स यदि हम देखते हैं तो जो टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब हम नीचे देखते हैं तो माउथ माउथ के बाद जब ये ओरल कैविटी रहती है, जो डाइजेस्टिव कैविटी रहती है, इसके आसपास जो है एक शीथ होती है जिसे कहते हैं टेंटिक्यूलर शीथ, और जो टेंटिकल्स रहते हैं वो इससे अराइज होते हैं और इससे अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये जो टेंटिक्यूलर शीथ होती है इसमें जो टेंटिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली रिट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टेंटिक्यूलर शीथ से अटैच होते हैं टेंटिकल्स, 2 in number आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो टेंटिकल्स है जहाँ पे अटैच होते हैं टेंटिक्यूलर शीथ से, वहां पे इनका पार्ट कुछ थिक होता है, ठीक है, अटैच टू टेंटिक्यूलर शीथ और थिक एट अटैचमेंट, जहां पे ये अटैच होते हैं टेंटिकुलर शीथ से वहां पे ये थिक होते हैं, ठीक है। अब ये जो टेंटिकल्स होते हैं इन पे भी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, और ये प्रोसेसेस 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, ब्रांच्ड लीफ लाइक और अनब्रांच्ड स्लेंडर, ठीक है, स्लेंडर एंड अनब्रांच। तो
जो दोनों ही प्रकार की प्रोसेसेस होती हैं वो हॉर्मीफोरा में मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो है हॉर्मीफोरा है और ये जो है ये है प्लूरोब्रैकिया। तो जो टेंटिकल्स में प्रोसेसेस होते हैं आप देख सकते हैं, ये है प्रोसेसेस। ठीक है, ये प्रोसेसेस हैं टेंटिकल्स की। तो ये टेंटिकुलर प्रोसेसेस हैं जो कि दो प्रकार की हैं, ये है स्लेंडर और अनब्रांच्ड। ठीक है, जो कि प्लूरोब्रैकिया में भी है हार्मिफोरा में भी है। और एक होती है लीफ लाइक और ब्रांच्ड, जो कि होती है सिर्फ हार्मिफोरा में और प्लूरोब्रैकिया में नहीं होती। तो हार्मिफोरा में दोनों ही प्रकार की प्रोसेसेस है टेंटिकल्स पे, स्लेंडर और अनब्रांच्ड, और ये जो है ये है लीफ लाइक और ब्रांच्ड। ठीक, तो इस प्रकार ये जो टेंटिकल्स होते हैं, ये टेंटिकल्स में अधेसिव सेल्स होती हैं जिन्हें कोलोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो ये हम देख रहे हैं टेंटिकल्स, टेंटिक्यूलेटा क्लास देखी हमने, जिसमें कि सी वॉलनट या हार्मिफोरा आते हैं और सी गूसबेरी या प्लूरोब्रेकिया आते हैं। इसमें हमने इन्हें इनके फीचर्स देखे, इनके हैबिटेट जो है मेडिटेरेनियन सी में ये मिलते हैं, इनकी हैबिट्स जो है सॉलिटरी फ्री होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और दोनों ही सिडिपिड लार्वा जो है ये बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, स्फेरिकल सिडिपिड लार्वा। ठीक, 5 से 20 मिलीमीटर इसकी साइज होता है, डेलिकेट होते हैं, बहुत ही जेली लाइक होते हैं। ठीक है, एबोरल एंड पर सेंस ऑर्गेन होता है, स्टेटोसाइसिस देखा हमने। ठीक, स्विमिंग प्लेट्स होती है जो कि स्मॉल प्लेट से फॉर्म होती है, और इन स्मॉल प्लेट्स पर सीलियाज होते हैं जो कि कॉम्ब लाइक अरेंजमेंट में होते हैं, और इसीलिए इन्हें कॉम्ब जेलिस कहा जाता है। फिर टेंटिकल्स देखिए, टेंटिकल्स जो हैं इसकी टेंटिकुलर शीथ होती है जिसे अटैच होते हैं, और टेंटिकुलर शीथ पे ये फुली रिट्रैक्ट हो सकते हैं, और इन टेंटिकल्स अटैचमेंट के जहाँ पे अटैच होते हैं वहाँ पे थिक होते हैं, और इनकी प्रोसेसेस होती है टेंटिकल्स पे जो कि ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकती हैं। हार्मिफोरा में ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों टाइप की मिलती हैं, प्लूरोब्रेकिया में सिर्फ अनब्रांच्ड स्लेंडर लाइक प्रोसेसेस टेंटिकल्स पर मिलती हैं। ठीक, ये हो गया टेंटिकुलेटा। न्यूडा क्लास जो है यहाँ पे डिटेल में नहीं दे रही हूँ, सिर्फ न्यूडा क्लास जो है टेंटिकल लेस होती है। तो न्यूडा जो क्लास होती है, क्लास न्यूडा, इसमें कोई टेंटिकल्स जो है नहीं मिलते। ठीक, इसका एग्जाम्पल है बी रॉय। ठीक है, तो ये जो है ये हमने पढ़ा फाइलम एनिडेरिया या टीनोफोर्स, जिसको कि कॉम जेलिस कहते हैं। इसकी दो क्लासेस होती हैं, टेंटिकुलेटा एंड न्यूडा, और टेंटिकुलेटा के दो एग्जाम्पल हमने यहाँ देखे, एक हार्मिफोरा और एक प्लूरोब्रेकिया। ठीक, तो इस प्रकार हम पूरा पढ़ चुके हैं टीनोफोर फाइलम, एंड नाउ यू शुड रिवाइज दिस फाइलम, एंड देन इन नेक्स्ट सेशन वी विल गो टुवर्ड द नेक्स्ट फाइलम।